वर्षों से चले आ रहे भेलूपुर के दुर्गाकांड चौकी सीमा के शक्तिनगर कॉलोनी में स्थित संतोषी माता मंदिर के विवाद में रविवार को गोली चल गई। गोली की आवाज सुनते ही धड़ाधड़ लोगों ने घर के दरवाजे बंद कर लिए। गोली वर्चस्व की लड़ाई में चलाई गई है। दोनों पक्ष रसूखदार बताए जा रहे हैं। 3 लोगों को ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ACP भेलूपुर चक्रपाणी त्रिपाठी भारी फोर्स के साथ पहुंच गए। घटना की जानकारी होते ही ADCP काशी जोन विकास चंद त्रिपाठी के साथ DCP काशी जोन अमित कुमार भी घटनास्थल का निरीक्षण कर अस्पताल में घायलों से बातचीत की और पूरे प्रकरण में 3 लोगों के घायल होने की सूचना है। बता दें कि संतोषी माता की जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। इस मंदिर की सचिव अतर सिंह है और यहां पुजारी रवि पंडित के द्वारा नियुक्त अभिषेक पांडे पूजा कर रहे थे। मंदिर परिसर में ही पुजारी रहता है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश से मंदिर की गिरी पटिया को सही करते समय रविवार की रात दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और मारपीट होने लगी। इसी दौरान अतर सिंह ने अपनी लाइसेंस से पिस्टल निकाल ली। अतर सिंह की पिस्टल से 4 राउंड फायरिंग हुई। एक गोली अभिषेक के बाएं कंधे में और दूसरी बाएं हाथ में जा लगी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस अभिषेक और अतर व उसके भाई राज बहादुर सिंह को उपचार के लिए BHU ट्रॉमा सेंटर ले गई। घटना में हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी अभिषेक पांडे को भी कंधे पर गोली लगी है। इसकी सूचना मिलते ही संगठन अध्यक्ष दिवस त्रिपाठी सहित कई दर्जन कार्यकर्ता ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर आरोपियों को तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। आक्रोशित पदाधिकारियों को ACP भेलपुर ने समझाया कि गोली पुरानी रंजिश में चली है, पुलिस की जांच जारी है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं हिंदू युवा वाहिनी के नेता अभिषेक पांडे के घायल होने की सूचना पर राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल भी ट्रॉमा सेंटर पहुंच गए। वहां आक्रोशित नेताओं और कार्यकर्ताओं को उन्होंने समझा बुझाकर शांत करवाया। अतर सिंह ने आरोप लगाया कि मंदिर परिसर में रहने वाली एक युवती से पुजारी ने छेड़खानी की थी। इसकी सूचना पाकर उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ बदसलूकी की गई। उन्होंने डराने के लिए पिस्टल निकाली तो उसे छीनकर फायरिंग की गई और गोली पुजारी को लगी। वहीं अभिषेक ने बताया कि उतने ही उस पर फायरिंग की गई। घटनास्थल से पुलिस ने 3 खोखे बरामद किए हैं। इस संबंध में ADCP काशी जोन विकास चंद त्रिपाठी ने बताया कि 2 पक्षों में मंदिर पर कब्जे को लेकर पुराना विवाद है। कहासुनी और मारपीट के दौरान ही फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक युवक और मारपीट में दोनों पद से 1 लोग घायल हुए हैं। 3ों का उपचार कराया जा रहा है। दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पिस्टल का लाइसेंस निरस्त करने के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाएगी। सनी गुप्ता, वरिष्ठ महानगर उपाध्यक्ष, हिंदू युवानी वाला। सनी जी, क्या मैटर था, किस बात पे गोली चली? मैं मौके था नहीं, मैं मध्य प्रदेश गया था और जब मध्य प्रदेश गया लौटते समय जब मुझे रास्ते में फ़ोन आया कि अभिषेक पांडे जी को गोली लगी, मैं बड़ा भयभीत हो गया। ऐसे कैसे हो गया, हम सोचे मजाक कर। अगर मैंने दिवस जी से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं लिया, वो अपने जजमान के साथ गए थे पूजा पाठ कराने के लिए संतोषी माता मंदिर स्थित। उसी पे अतर सिंह नाम का एक व्यक्ति उनके ऊपर हमला कर दिया। अब वो ड्रिंक किया था, क्या किया था, ये पुरानी रंजिश थी। इसमें रवि पुजारी जी हैं, हमारे मालवीय मंडल के अध्यक्ष दिवस त्रिपाठी जी, पहले उस पर हमला किया, उन्होंने बैठ गए, उसके बाद इनके ऊपर गोली लग गई। घटना पूर्ण रूप से भी हमको भी जानकारी नहीं, मगर जितना जानकारी उतना बता रहा है कि जो मौके वारदात दिवस जी थे उतना उन्होंने हमको बताया बताया। और यहाँ के सर्किल ऑफिसर क्षेत्राधिकारी भेलूपुर चक्रपाणी त्रिपाठी जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं कार्रवाई पूर्ण रूप से करूंगा, जो भी लीगली कार्रवाई मैं करूंगा, मगर तब भी मैं कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूं। मैं कल कमिश्नर साहब से महानगर प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, उसके बाद मैं अवगत कराऊंगा। सर जी, यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि ये जमीनी विवाद के लिए, मंदिर के लिए ऐसा कुछ हुआ है और इसमें रविंद्र जायसवाल मंत्री जी का भी करीबी माना गया है इसमें। हमसे भी बहुत लोग कहें कि इनके मित्र हैं बचपन के, इनका फोटो देख लीजिए फेसबुक पे, वो अलग विषय है, उनका क्या संबंध है क्या नहीं वो तो पुलिस जांच करेगी तो बताएगी। मगर संज्ञान में मामला हमको ही पता चला है कि 1-1.5 साल पहले मैंने देखा था कि जो चुनार के विधायक है माननीय अनुराग सिंह जी, उनके पूर्व में उनके पिताजी ओम प्रकाश जी मंत्री थे भाजपा सरकार में, तो उनका भी संस्था में नाम दिया गया था और संरक्षक के रूप में रविंद्र जायसवाल जी को भी रखा था, उनको भी रखा, कई गणमान्य लोग थे जो क्षेत्र, अगर जब हम लोग निकलवाए रिकॉर्ड उनका तो उनमें उनका नाम नहीं था। अवैध रूप से ये अवैध है, रजिस्ट्रेशन अवैध कराए मंदिर को, मंदिर 1 नंबर से शुद्ध है और उस मंदिर को सुचारू रूप से सार्वजनिक रूप से चलना चाहिए, जो कि ये लोग चलने देते, कब्जा करने के माध्यम से ये लोग उसमें, पहले तो हेमगंगे तेल का कारखाना था उनका, वो बंद हुआ, अपना गाड़ी रखते थे वो बंद हुआ, मगर अब तरह तरह की चीज़ें करते उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, पुजारी घोटाने के चक्कर में आज ये घटना कर दी है। कुछ लोगों को पकड़ा गया पुलिस द्वारा? वही दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। देखिए पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करते, अभी तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ,
मेरा कोई कार्यकर्ता मौका है वारदात पे लाइसेंसी बंदूक भी मिली है उनकी, जो भी अगर मिली होगी वो तो बरामद कराएगा, वो पुलिस प्रशासन का काम हो, हम लोग का काम नहीं है, क्या मिला क्या नहीं मिला मगर कल कमिश्नर साहब से मिले उसके बाद आप लोग अवगत कराएंगे। भेलूपुर थाना क्षेत्र के खुजवा चौकी के अंतर्गत ये एक संतोषी माता का मंदिर है, इसी में कुछ व्यक्ति पूजा पाठ का काम कर रहे थे और कुछ इनके सचिव इत्यादि हैं, इन दोनों के बीच में आपस में वार्ता थी, एक पचहत्तर सिंह और राजबहादुर थे और दूसरा पचावी से और विक्रमाकांत पाटिल, और इसी दौरान आपस में मारपीट के दौरान ही गोली चली, दोनों पक्षों चोट लगी है, अभिषेक को गोली लगी है, अभी सभी को ट्रामा सेंटर रेफर किया गया, फिलहाल अभिषेक खतरे से बाहर है, अभी मेडिकल उपचार चल रहा है उनका और पुलिस अभी मेरे काम। सर सुनने में आया कि हथियार जिससे गोली चलाई गई वो लाइसेंसी है? हाँ, ये प्राइमरी जो सूचना मिली है ये पता चला गया कि लाइसेंसी हथियार से गोली चलाई गई है, पुलिस अभी जाँच कर रही है और अपने लोगों से गहराई से जाँच करने के बाद ही। सर बताया जरा जमीन का, कोई जमीन का देखिए विवाद के कई सारे कारण हैं, पूर्व का इनका विवाद भी है, रिसेंट के आज के भी कुछ विवाद है, इन सारे पहलुओं से जब तक सभी पक्षों से बात नहीं हो पाएगी तब तक चालू करेंगे। थैंक यू सर।